नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं अंडे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही कम सामग्री में बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए हम तेल गर्म कर चुके हैं। इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा डाल रहे हैं। जीरा को लाल होने देंगे। अब जीरा लाल हो गया है, इसमें कटी हुई दो प्याज डाल रहे हैं हम। देखिए बड़ा साइज का प्याज है, हम दो पीस प्याज काट कर रखे थे, इसको डाल रहे हैं। इसको अच्छे से बिल्कुल धीमा आँच में गुलाबी कलर होने तक भूनना है। नरम हो जाए प्याज तब तक हमको इसको भूनना है। तो आँच को हम बिल्कुल धीमा रखेंगे। अब इसमें हम एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हमने लहसुन को कूट कर रखा था, उसको डाले हैं। तो इसको भी अच्छे से भूनने देंगे हम। देखिए हमारा प्याज जो है वो गुलाबी गुलाबी कलर आ गया है और नरम हो चुका है। अब इसमें हम चार बड़े साइज के टमाटर डाल रहे हैं, इसको भी हम बारीक काट कर रखे थे, इसको भी डाल देते हैं। मैं आधा छोटी चम्मच हम मिर्च डाले हैं इसमें, लाल मिर्च। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। हम अच्छे से हमको पकाना है और आंच को मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। हम मीडियम मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं इसको। तो अच्छे से इसको मिक्स करके पका लेना है हमको। अब हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। तो एक चम्मच हम नमक ऐड कर रहे हैं, एक चम्मच से थोड़ा कम है, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नमक को। हम अपने स्वाद के अनुसार डाल रहे हैं, इससे अच्छे से जल्दी पिघल जाएगा हमारा जो टमाटर है वो। तो अच्छे से हम नमक को मिक्स कर लेते हैं और बढ़िया से इसको पकने देते हैं। हम अच्छे से इसको चला लेंगे। देखिए हमारा टमाटर गलना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको ढक्कन से ढक देंगे और कुछ मिनट तक पकाएंगे। लगभग 2 मिनट तक हम बिल्कुल धीमा आंच में इसको पकने देंगे ताकि एकदम पिघल जाए हमारा जो टमाटर है वो। 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमने ढक्कन को खोल दिया है और देखिए ये पिघल चुका है टमाटर। फिर भी हम इसको और भून देंगे अभी और पकने देंगे। और ऐसे ही इस चम्मच की सहायता से हम इसको दबाते हुए पकाएंगे ताकि अच्छे से हमारे जो मसाले सभी मसाले हैं वो गल जाए और हमारा ग्रेवी बहुत ही अच्छा बनकर आए। तो देखिए इस तरह से हमको इसको चलाते रहना है। अब हमने 6 अंडे लिए हैं, इसके बीच के सारे मसाले को हम किनारे कर दिए हैं। इसमें हम अंडे को तोड़कर डाल देंगे। हम पूरे 6 पीस अंडे को डालेंगे तोड़कर इसमें। तो देखिए एक एक करके हम सारे अंडे को डाल रहे हैं। इसी तरह से सारे अंडे को डाल लेंगे हम। बिल्कुल ध्यान से तोड़ना है। आप चाहे तो इसको अलग से तोड़कर किसी बर्तन में रख कर फिर डाल सकते हो, मैं इसको तुरंत तोड़ रही हूँ। तो देखिए हमने सारे अंडे को तोड़ लिए है। अब बिल्कुल आँच को हमको ध्यान देना है, बिल्कुल धीमा रखना है और ढक्कन से ढक देना है। हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रखा है और ढक्कन ढक दिया है। लगभग 5 मिनट तक हम पकने के बाद इसको निकाल रहे हैं। तो देखिए इस तरह से जो हमारा अंडा है वो अच्छे से सेट हो चुका है, अब पकने के लिए तैयार है। तो हम इसको पलटा लेंगे। देखिए इस तरह से इसको पलटाना है ताकि ये साइड है जो वो भी अच्छे से सीख जाए। देखो कितना बढ़िया जो अंदर का साइड था वो पक चुका है। अब इस साइड ऊपर साइड को भी हम पकने देंगे, इसी तरह से हम पकने देंगे इसको। आँच को हम मीडियम कर लेंगे। आप बिल्कुल ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, हल्का बढ़ाना है, आप अपने हिसाब से इसको पका सकते हो। हम जो पका रहे हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो हम आँच को धीमा रखे हैं क्योंकि ज़्यादा आँच करेंगे तो हमारा मसाला जल जाएगा और स्वाद खराब हो जाएगा, इसलिए हम धीमा आँच में इसको पका रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ देर तक तो हो गया है, ये पकना पक रहा है। अब इसमें हम इसको तोड़ लेंगे। तो देखिए हम ये जो चम्मच है इसकी सहायता से इस अंडे के टुकड़े कर लेंगे दबा दबा कर। ये तो बहुत ही नरम है, आसानी से टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इसी तरह से दबाते हुए हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट रेसिपी है,
आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आप भी। देखिए बहुत अच्छे से ये पक रहा है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। हम इसमें एक गिलास पानी ऐड कर रहे हैं। हमको बिल्कुल थोड़ा ही ग्रेवी चाहिए, ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। हम गाढ़ी बना रहे हैं इसको, बहुत ही अच्छा लजीज लगेगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करके हम इसके मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर लेंगे हम, जो लो फ्लेम पर था उसको मीडियम कर लेंगे। अब ढक्कन ढक के हम देखिए 5 मिनट तक इसे पकाए हैं और ये लगभग बन चुका है। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। तो हमारी अंडे की सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार।